ये है पंजाब के जिला कसूर का मरकजी दरवाजा और इसका मुहाफज पाकिस्तान रेंजर्स का ये गबरू जवान। ये गबरू जवान असली नहीं है बल्कि स्टैचू है। आज अमीन हफीज आपको रेंजर्स के असली गबरू और जबरदस्त किस्म के जवानों से मुलाकात कराएंगे और गंडा सिंह बॉर्डर पर होने वाली पाकिस्तान और भारत के सरहदी मुहावजों की जो परेड है वो भी दिखाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कसूर के रवायती खाबे भी आपको दिखाएंगे, कसूर की सैर भी कराएंगे। आज आप अमीन हफीज साहब के साथ रहें, आपको कसूर की मुकम्मल सैर कराई जाएगी। कसूर आए और पंजाबी सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर ना आए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अमीन हफीज आज चूँकि कसूर आए थे तो बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर हाज़िरी देने आए हैं। और यहाँ पर एक जो सबसे मुझे प्यारी बात लगती है वो यहाँ पर एक कव्वाल हैं जो बाबा बुल्ले शाह का कलाम अपने कव्वाली के अंदाज़ में पेश करते हैं। इनका कलाम आज वो हमें क्या सुनाते हैं, अभी हम मोइन अली खान साहब के पास जाते हैं। जी मोइन साहब, आज हमें आप क्या कलाम सुनाएंगे? जी आज हमारे पास सरकार हुजूर बुल्ला शाह पे अमीन हफीज तशरीफ लाए हैं डिस्कवर से, तो हम उन्हें डेडिकेट करेंगे सरकार हुजूर बुल्ला शाह का कलाम। सरकार ने लिखा, सरकार के पीर तशरीफ लाए, पिया घर आया, खड़ियाल देवो निकाल नहीं मेरा पिया घर, मेरा पिया घर आया। सुनाए जी, सुनाएंगे। आवो सियो डाली देवो नी बधाई, आवो सियो डाली देवो नी बधाई, मैं बारी पाया रांझा माही, खड़ियाल देवो निकाल नहीं मेरा पिया घर आया, खड़ियाल देवो निकाल नहीं मेरा पिया घर आया, बोला नहीं मेरा पिया घर आया, बोला नहीं मेरा पिया घर आया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अमीन हफीज का दिल जीत लिया। बाबा बुल्ले शाह का कलाम आपने जिस खूबसूरती से सुनाया है दिल बाग बाग हो गया। अब हम बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे जाते हैं और वहाँ पर हाजिरी देते हैं और दुआए फातिहा कहते हैं। अमीन हफीज साहब तो आज तक ये समझते रहे कि कसूर में कसूरी पकोड़े होते हैं और कसूरी अंदरसा होता है, लेकिन यहाँ कसूर आके पता चला कि अंदरसा एक नहीं, दो नहीं, तीन किस्म के होते हैं। एक अंदरसा होता है ये चीनी वाला, और दूसरा अंदरसा होता है
गुर वाला जिसके ऊपर तिल लगे होते हैं, और तीसरा अंदरसा होता है मक्खन वाला, जितना चाहे मक्खन लगाए। तो यहाँ पर जो पकोड़े और अंदरसे तैयार हो रहे हैं, अमीन हफीज साहब आप ये प्रोसेस देखेंगे और फिर अंदरसे बनाने वाली इस पुरानी और मशहूर दुकानदार के मालिक से भी बात करेंगे। जी आप ये बताइए जी, ये जो अंदरसा है ये किससे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? चावला का आटा होता है, गुड़ होता है, अच्छा घी होता है, बस ये होते तिल लगते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आप अंदरसा बना रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ ये बड़ा ढीला ढीला सा अंदरसा है, तो ये तो बड़ा क्रिस्पी होता है, ये तो ढीला क्यों है? 10-15 मिनट लगे थे इसको टाइट होने में। मतलब अंदरसे को टाइट होने में 10-15 मिनट लगते हैं, फिर मजा आता है। हाँ जी। हाय, कहते हैं कि अंदरसे को जब 10-15 मिनट लग जाए तो फिर ये क्रिस्पी हो जाता है और फिर ही मजा आता है जब खाते वक्त क्रच क्रच की आवाजें आती हैं। अच्छा ये बताइए, अंदरसा खाने का फायदा क्या है? फायदा कुछ, लोग इतनी इतनी दूर से कसूरी कसूर दे सकाते हैं। अच्छा बाहर से लोग आते हैं इसको लेके जाते हैं। अच्छा अच्छे लगते हैं ना, जायका अच्छा है इसका। अच्छा ये बताइए, अगर अमीन हफीज साहब अंदरसा लेना चाहें तो वो जो पकोड़े हैं और ये तीन किस्म के जो अंदरसे मैंने देखे हैं इनके जरा रेट बताइए, पकोड़ा कितने का किलो? पकोड़ा 400 रुपए किलो है, और जो चीनी वाला है अंदरसा वो 400 रुपए किलो, वो भी 400 रुपए, और वो जो गुड़ वाला है जिसके ऊपर तिल लगे हुए हैं और बड़ा मजेदार था वो 450 रुपए, वो 450, और जिसमें मक्खन लगा होता है वो 500 रुपए किलो। मक्खन लगाने का 50 रुपए ज्यादा लेते हैं? नहीं क्यों, ज्यादा क्यों लेते हैं? तो क्यों, वो जो चीनी वाला है गुड़ वाला है वो 400 और 450 रुपए, और मक्खन वाला आप 500 रुपए लगा रहे हैं। 500 उसका रेट ही 500 है। मक्खन किसी को लगाए ना तो वो तो काम हो जाता है, तो आप मक्खन लगा के आप पैसे ले रहे हैं हमसे? चलो है, मक्खन वाला तो सस्ता होना चाहिए। जितना कोई कहे उतना लगा देते हैं। हाय, जितना कोई कहे उतना मक्खन लगा देते हैं। हमने आपको कसूरी अंदरसे और पकोड़ों की तफसीलात से आगाह किया, अब अमीन हफीज साहब को प्लेट में सजा के ये तोहफा दिया गया है। अब ये मैंने आपको पहले बताया चीनी वाला, गुड़ वाला, और ये मक्खन वाला, और ये पकोड़ा भी है। अमीन हफीज सबसे पहले चीनी वाला अंदरसा खाएंगे और फिर बताएंगे कैसा है। बहुत मजे का। अब जरा मक्खन लगाने वाली बात है, अमीन अभी मक्खन वाला भी अंदरसा खाएंगे। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। वाह वाह वाह, ये तो वाकई अमीन अभी साहब को मक्खन लग गया है, ये तो बड़ा जबरदस्त। ये असली मक्खन है या वो नकली मक्खन है? अपना खोए वाला है, गाय वाला। आय हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अब अमीन हफीज पकोड़ा भी खाएंगे, क्योंकि अगर पकोड़ा ना खाया तो मजा भी कुछ भी नहीं आया। कसूर आए आप, एक दो तीन किस्म के अंदरसे और एक पकोड़ा जरूर खाएं, और फिर तोहफे के तौर पे अपने घर वालों के लिए भी लेके जाएं, आपको शाबाश मिलेगी। फलूदे की स्पेशल डिश अमीन हफीज साहब के आगे लग चुकी है, और एक मुकम्मल फलूदे का प्याला है और उसके साथ ये सपोर्टिंग डिशें दी गई हैं। मुझे बताया गया है कि ये रबड़ी है और ये चीनी का वो जो उन्होंने बनाया होता है, आप ये कह लें शरबत टाइप चीनी का बनाया होता है, और ये लच्छे हैं, और इस लच्छों के बाद ये है बर्फ, और इन चारों चीजों का मिक्सचर होता है फलूदा। अब अमीन हफीज साहब फलूदा खाएंगे, अगर आपको भी फलूदा खाना है तो
तो कसूर के अलावा किसी शहर में आपको शायद इतना मजा नहीं आएगा जितना कसूरी फलूदे का कसूर में खाने का मजा आएगा। अब अमीर भी साहब खाने लगे हैं, जरा आप तवज्जो फरमाइए। इसको पहले करना होता है मिक्स ताकि जायका एक जैसा हो जाए, लच्छे भी चीनी भी और फलूदा भी सब कुछ मिक्स करके अब अमीन भी सब खाएंगे फलूदा। देखो पाकिस्तान देखो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत मजेदार है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ओए हाय हाय हाय। देखो पाकिस्तान, ये तो जो लच्छे हैं ना ये तो मेरे मुंह से ही निकलते ही जा रहे हैं। इसमें अगर कोई चीज मैंने और डालनी थी तो ये मैं रबड़ी थोड़ी और डाल सकता हूँ, क्योंकि मुफ्त में है ना, इसके तो मैंने पैसे नहीं देने, ये तो सिर्फ फलूदे के प्याले के पैसे हैं, जो चीज मुफ्त है उसका फायदा उठाना चाहिए। मजे का फलूदा है, फलूदा तो अंदर कम जा रहा है बाहर ज्यादा आ रहा है। अमीन हफीज साहब अच्छी तरह फलूदे के सारा असरात खत्म कर लें ताकि घर वाले ये ना कहें अमीन हफीज साहब ने कसूर में फलूदा खाया है और हमारे लिए फलूदा ही नहीं लेकर आए। मजा आ गया। जबरदस्त मछली है जी। बात सुने जी, ये मछली कितने की किलो होती है? 900 रुपए। जरा दिखाएं मुझे ये, और ये बड़ा पीस भी दिखाएं जरा मुझे। वाह वाह, ये 900 रुपए की किलो है, जबरदस्त। ये अलग उसी के पीसेस हैं या उससे बड़ी मछली है? बड़ी मछली। अमीन हफीज कसूर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जिसको गंडा सिंह बॉर्डर कहते हैं, अमीन हफीज वहां पर पहुंच गए हैं और यहां से भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 360 किलोमीटर पर दिल्ली मौजूद है। आज अमीन हफीज आपको गंडा सिंह बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स के पंजाब के जो गबरू जवान हैं परेड के हवाले से उनकी तैयारी के मराहल भी दिखाएंगे और फिर पाकिस्तान भारत के सरहदी मुहावजों की जो यहां पर बॉर्डर पर परेड होती है अमीन हफीज आपको वो भी दिखाएंगे। आज आप अमीन हफीज साहब के साथ रहिए। अमीन हफीज इस वक्त गंडा सिंह इंटरनेशनल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर मौजूद है, अमीन हफीज यहां पर पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान की हदूद में हूं और दूसरी तरफ भारत है। अब ये दरवाजा अमीन हफीज खोलेंगे। वाह,
अमीन अफीद अब पाकिस्तान से भारत में आएंगे। मेरा दायां पांव इस वक्त भारत में है और मेरी बाईं टांग इस वक्त पाकिस्तान में है और अमीन अफीज नो मैन लाइन पर मौजूद हैं। इस मौके पर अमीन अफीज की ये ख्वाहिश है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर अपने अपने रहने चाहिए, लेकिन खित्ते में अमन, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली का तकाजा ये है कि दोनों हमसाया ममालिक प्यार और मोहब्बत से रहें। आपने देखा अमीन अफीज की दाई टांग इस वक्त इंडिया में और बाई टांग पाकिस्तान में है। जबरदस्त। हफीज पहुंच गए हैं गंडा सिंह बॉर्डर पे और ये देखें मेरे पास कैसे खूबसूरत पाकिस्तान रेंजर्स के जवान मौजूद हैं। मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी इन जैसा जवान होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे रेंजर्स के जवान खूबसूरत कद्दावर हैं। अब हम आपको, ये वो मुकाम है जहां पर गंडा सिंह बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के सरहदी मुहाफ़िज़ों की जो परेड होती है, कुछ ही देर में यहाँ परेड शुरू होने वाली है। हम आपको परेड के भी मनाजर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तारुफ कराते हैं स्टेडियम का। आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त जो ये स्टेडियम आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भारत का स्टेडियम है। यहाँ पर जो भारतीय शहरी हैं वो यहाँ पर आकर परेड देखते हैं। और मेरे बाई तरफ आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के स्टेडियम है और यहाँ पर पाकिस्तानी शहरी यहाँ पर बैठ के तमाम परेड को गौर से देखते हैं। और जो जोशीला अंदाज होता है खसूसन पाकिस्तान के गबरू खूबसूरत पाकिस्तान के रेंजर्स के जवानों का, वो अपनी मिसाल आप है। कोई ऐसा सरहदी मुहाफ़िज नहीं जैसा सरहदी मुहाफ़िज हमारे पाकिस्तान रेंजर्स और पंजाब रेंजर्स के जवान हैं। अभी हम आपको बॉर्डर की एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाएंगे जो आपके इलम में इजाफा करेगी। बॉर्डर पर एक जगह होती है जो पाकिस्तान और भारत को आपस में अलग अलग दिखाता है, इसको कहते हैं बॉर्डर पिलर। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त अमीन अफीज उस बॉर्डर पिलर पे पहुंच चुके हैं जो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत के नक्शे को शो करता है और दरमियान वाले हिस्से को नो मैन लाइन कहा जाता है। और अमीन अफीज आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसी बॉर्डर पिलर के, जिसका 191 सेंट्रल नाम दिया गया है, वहाँ मौजूद हैं। और अभी हमने आपको ये बॉर्डर का सारा तारुफ कराया। कुछ ही देर में जब पाकिस्तानी और भारतीय सरहदी मुहाफ़िज परेड शुरू करेंगे तो वो परेड के अंदाज भी दीदनी हैं। आप इस सारे वकूए को देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स के जवानों की जो परेड होगी आपके दिल में उतर जाएगी। उनका अंदाज, उनकी दहशत भारतीय जवानों पर तारी हो जाती है। Oh!
आज हमने आपको ना सिर्फ कसूर की सैर कराई बल्कि गंडा सिंह बॉर्डर पर सरहदी मुहावजों की परेड भी दिखाई, और यकीनन आपको हमारे सरहदी मुहावजों की परेड और जज्बाती मनाजर देखकर खुशी हुई होगी। प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, कैमरामैन शाहिद अली और इमरान नूर के साथ, प्रोग्राम देखो पाकिस्तान सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।